हमीरपुर जिला की मती टीहरा ग्राम पंचायत ने सारे नियमों को दरकिनार करके बीपीएल मुक्त पंचायत बनाने के लिए काम किया है, जिस कारण बीपीएल परिवार के लोगों ने कड़ा ऐतराज जताया है। ग्राम पंचायत मती टीहरा में पंचायत के अक्षम व्यक्ति तक को बीपीएल की सूची से काट दिया है, जिस कारण अब बीपीएल सूची से नाम काटे जाने पर एक प्रतिनिधि मंडल उपायुक्त हमीरपुर राकेश कुमार प्रजापति से मिला। आपको बता दें कि हमीरपुर के साथ लगती ग्राम पंचायत मती टीहरा में जबरन बीपीएल मुक्त करने पर लोगों ने ऐतराज जताते हुए इसे गलत बताया है। बीपीएल सूची से काटे गए दर्जनों परिवारों ने डीसी राकेश कुमार प्रजापति से मिलकर मती टीहरा पंचायत के द्वारा की गई प्रक्रिया को गलत बताते हुए न्याय की गुहार लगाई है। डीसी हमीरपुर से मिलने आए हुए मती टीहरा पंचायत की महिलाओं ने बताया कि खंड विकास अधिकारी द्वारा एकदम से बीपीएल मुक्त पंचायत कर दी है और पंचायत प्रधान ने मनमाने ढंग से कार्य किया है। हमें सुनाई दी है वहाँ पे और हमें इसकी जरूरत है। मैं 17 साल से बिस्तर पे हूँ, मेरे दो बच्चे हैं और मेरे घर वाले भी मजदूरी करते हैं, तो इसमें हमारा बीपीएल में हमें कोई बेनिफिट नहीं मिला आज तक, सिर्फ एक राशन मिलता है और कुछ नहीं। हमारा मकान जो गिरने लगा है, एक कमरा है वो भी कच्चा है और हमें कोई सुविधा नहीं मिली इसकी, और हमें पूछा तक नहीं कि आपको काटना है या नहीं काटना है, ना तो हमें बाहर सुनाई दिया कुछ भी। बस एकदम से आए और बोला कि बीपीएल मुक्त या क्या बोला हमें, वो भी बाद में पता चला कि ऐसा बोल के गए, और ऊपर से ना कोई माइक लगा हुआ था वहाँ पे, ना कुछ की सुनाई देता बाहर। आगे से जो जिनके नाम काट दिए गए उन्होंने हमारा नाम भी कटवा दिया, बोले बीपीएल मुक्त पंचायत होनी चाहिए। हम पीछे थे, हमें तो कुछ पता भी नहीं चला कि बोला आगे से। वही मती टीहरा पंचायत से शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति ने बताया कि अपंग होने के बावजूद भी बीपीएल सूची में नहीं रखा गया है, जिस कारण अब जीवन बसर करने में परेशानी हो रही है। मैं अपंग हूँ, अपंग हूँ, अपंग होने के बावजूद भी मेरा नाम बीपीएल से कट दिया, बीपीएल से कट दिया कि भाई वीडियो सब आया हमारे पास और चर्चा उसी के बारे में थी, बीपीएल के बारे में चर्चा थी। तो कुछ लोग थे जो उन्होंने इलेक्शन लड़ा था और वो हार गए। हारने के कारण उन्होंने अपना बदला लेने के लिए हमारी जो गरीब जनता है उनसे बदला लिया कि इन्होंने हमें वोट नहीं डाले और दूसरा वो जो तीन मंजिल बिल्डिंग है उनकी, तो इस वजह से जो 20 आदमी सर्वे में निकाले गए वो भी बाहर हो गए, तो उन्होंने भी उनका साथ दिया कि हम नहीं तो आप नहीं। और आज तक कई लोग जो अच्छे अच्छे परिवार के बीपीएल में थे वो निकाले गए, तो इस वजह से अब गरीब परिवार को भी मार लग गई इसमें। तब हम इस वजह से सब लोगों के पास आए हैं, तो अपनी शिकायत पत्र हमने लिखा दिया वहाँ। वहीं इस मामले पर डीसी हमीरपुर राकेश कुमार प्रजापति का कहना है कि मती टीहरा पंचायत के लोगों ने बीपीएल परिवार से नाम काटने की शिकायत की है, जिस पर अब छानबीन करके पता लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस मामले में एसडीएम को छानबीन करने के आदेश दे दिए गए हैं।